company prior to laying the foundation of the financial supermarket. He is very active in various social and trade organizations and is the chief patron and head of several committees at the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. He is also regional director at BNI Surat. Gaurav was recognized as youth icon by leading media group Divya Bhaskar in India for his dexterity in the business of financial consultancy in short span of 14 plus years. Leading a team of 350 plus committed professionals and team members that serve 65 plus sectors and has over 4,000 satisfied SME clients, and building the financial supermarket group, which he now plans to take on to a global level. He has an expertise in the areas of strategic planning, management advisory, debt and equity syndication, and corporate structuring. At the financial supermarket, Gaurav is the think tank, steers the group strategy and forwards planning. Now I invite CA Gaurav Singhvi. Good evening, everyone. Today's session is going to be a little interesting because everybody is from almost from 8th evening. Everybody is thinking what will happen, what is going to be the impact and all those things. Today, what I am going to be talking, main puri tarah se layman ki soch se baat karne wala hoon. Bahut zyada text ka reference nahi de raha hoon, bahut zyada law ka reference nahi de raha hoon because शायद यहाँ पे जो लोग हैं उनको एक लेमेन के हिसाब से क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है. और जब इंटरेक्शन की अपन बात करते हैं तो आई विल सर्टेनली टेक योर क्वेश्चंस, बट उससे पहले अपन एक बार ये समझें कि एक्चुअली ये पूरा करेंसी का या ये जो पूरा का कुछ हुआ है ये है क्या, इनके इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से आगे गया है. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ए डीमोनेटाइजेशन. कुछ लोगों का ये होगा कि भाई क्या चीज होती है डीमोनेटाइजेशन, एग्जैक्टली क्या चीज होती है. रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी. एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन, यदि आपकी जो एग्जिस्टिंग करेंसी है उसको हटा के और नई करेंसी को लेके आया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, वो डिमोनेटाइजेशन होता है. सो दैट इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन. कि आज की जो भी एग्जिस्टिंग, जैसे आपने यहाँ पे 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया रात को 8 बजे. प्रधानमंत्री आए समाचार के ऊपर और बोला रात को 12 बजे के बाद में टेंडर नोट्स नहीं रहेंगे, उसके बाद में ये लीगल टेंडर टेंडरेबल नोट्स नहीं रहेंगे. सो that is called a demonetization, you know, and on in which circumstances this is done, because ye bahut important hai janna ki kyon ye kiya gaya hamari country mein, kyon ye kiya gaya aur kyon ye zarurat thi. 1946 mein kiya gaya India ke andar, because the rule has changed from the British to we have gone in an Indian government, so us samay kiya gaya pehla. Uske baad mein next time bhi kiya gaya jab 1000 rupaye ke note band hue. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है जो कि अभी बहुत रेयरली बहुत ही कम कंट्रीज बचे हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंस होनी बाकी है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट, सो नाउ दैट इज नॉट अ रूल्ड आउट कंडीशन. टू बैन काउंटरफिटिंग नोट्स, फॉर्ज नोट्स, बोगस नोट्स, द मोस्ट विच आर प्रिंटेड बाय अनदर कंट्रीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू फ्लश इन योर इकोनॉमी टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट. बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इंडिया में भी ये बहुत बड़ा कारण है. टू बैन पैरेलल इकोनॉमी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल हु आर होल्डिंग मनी, बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर पैसे को होल्ड करके रखते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, या और भी कई तरीके के लोग हो सकते हैं, नक्सलिस्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा पैसा, एक पैसा उन लोगों के पास में है जो कि फॉर्ज पैसा है, फ्रॉड पैसा है, बोगस पैसा है, वो एक अलग तरह का ग्रुप है. और एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने अंदर की ही अलग इलीगल एक्टिविटीज से पैसे को क्रिएट किया है और एक्चुअल जो कि फेक मनी नहीं है, रियल मनी है, वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा पैसा जो कि इलीगल एक्टिविटी इंडिया के अंदर या टेररिस्ट एक्टिविटीज या ऐसी एक्टिविटीज जो कि इंडिया को हैम्पर कर सकती है, डैमेज कर सकती है, वो लोग करने वाले लोग. सो ये तीन मेजर रीजंस होते हैं करने के, और इनमें से लास्ट दो रीजन है वो अभी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में. दोनों रीजंस मैं आपको बताऊंगा आगे जब अपन जाएंगे तो क्या कहां से ये आ रहा है. यू नो आई वांटेड टू गो ऑन अ वेरी स्मॉल थिंग. लोगों का ये होगा कि प्रिंटिंग ऑफ नोट्स क्या होता है, कैसे होता है, एक चीज को जानना यहाँ बहुत जरूरी है कि इस गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया जिससे कि
ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि हमारा जो इंपोर्टेशन ऑफ नोट्स जो हम पेपर को इंपोर्ट करते थे, तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्रिटिश राज के अंदर ये इंपोर्ट होता था, इट वाज यूज्ड टू बी इंपोर्ट, बाद में भी होता था. सब्सिक्वेंटली मल्टीपल फैसिलिटीज हैव बीन क्रिएटेड, होशंगाबाद में क्रिएट की, मैसूर में लास्टली जो वो मैसूर में क्रिएट की, और इस तरह से हमारे पास में नोट प्रिंटिंग की यू नो वी वर हैविंग द प्लेसेस. नाउ तो 2015 के अंदर नई जो गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उसने एक स्टेप लिया, उसने जो प्रेजेंट कैपेसिटी थी उसको पूरी तरह से एनहांस किया, और उसके अंदर अब ये 12,12,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन कैन बी देयर इन दैट. उससे दो चीजें होंगी, एक तो इंटरनल पेपर प्रोडक्शन होने से हमारा जो डिपेंडेंसी है अब्रॉड के ऊपर, बाहर की कंट्रीज के ऊपर, जहां पे की पॉसिबिलिटी है कि जैसा बार बार ऐसी बात कही जाती है कि भाई जर्मनी से पाकिस्तान ने जो वो है वो ही चुराया हुआ है, यू नो, सो दैट विल एक्चुअली बी बैन. एंड देयर इज अ एक्सचेकर बेनिफिट, 1500 करोड़ रुपया जो भारत के बाहर जाता था इन पेपर को इक्वायर करने के लिए, वो अब नहीं जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये सोच सकते हो कि जब एक आदमी आज नवंबर 2016 में ये डिसीजन लेता है और 2015 में वो पेपर का प्रोडक्शन बढ़ाता है, सो देयर इज अ देयर वाज अ पैरेलल थॉट गोइंग ऑन. इट इज नॉट एक रात में उठा और सुबह उठ के डिसीजन ले लिया, ऐसा डिसीजन नहीं था. यू नो, आगे भी आप देखोगे यू विल कम टू नो दैट इट इज अ वेरी थॉटेड डिसीजन. यदि अपन ये बात करेंगे कैसे, कई लोगों का ये इंटरेस्ट होता है कि भाई नोट कैसे छापते हैं, कोई भी नोट छाप सकता है, ऐसा नहीं होता है. नोट छापने का पूरा एक प्रोसेस होता है. पहले एक समय हुआ करता था जब गोल्ड रिजर्व हुआ करता था, जिसके बेसिस के ऊपर यू नो नोट छपते थे. अब सॉवरेन गारंटीज होती हैं, रिजर्व्स होते हैं जिनके बेसिस के ऊपर नोट छपते हैं. ये उसका मैंने दिया है कि कैसे पहले यू नो 2/5 ऑफ द गोल्ड आपको रखना पड़ता था, उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम जो है 1956 में चेंज हुआ, जो कि वर्ल्ड ओवर चेंज हुआ, बिकॉज गोल्ड इतना अवेलेबल ही नहीं था कि आप रख सको और पैसा कर सको. तो बट यू हैव टू एटलीस्ट कीप, जैसे इंडिया के अंदर अभी 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरन एक्सचेंज रख के करीबन 200 करोड़ का, आज की तारीख में अपन देखें तो 2016 मार्च में इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट रिजर्व वॉज 218 करोड़ रुपए, और सर्कुलेशन में जो जो करेंसी थी वो करीब करीब 166 थी. और अगेंस्ट दैट 2024 मतलब नवंबर में ये जो रिजर्व था ये कुछ ऑलमोस्ट अबाउट बहुत ही मार्जिनल 6-1 करोड़ से और बढ़ा था. अब बात आई है कि लोगों का बार बार ये था कि भाई क्यों 500 और 1000 के दोनों के नोटों को बंद किया गया, और क्यों इन दो ही नोटों को बंद किया गया, बाकी सारी करेंसी को क्यों नहीं रिप्लेस किया गया. यू कैन वेरी वेल सी फ्रॉम दिस ग्राफ दैट इन मार्च 2016 86.4% ऑफ द टोटल करेंसी अवेलेबल इन इंडिया वॉज अ 500,000 रुपीज नोट. सो एक्चुअली यदि आपके पास में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोट 85.4% है, तो आप एक्चुअली पूरी इकोनॉमी को ही क्लीन कर रहे हो. मतलब 14% 15% आपने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्मॉल. एंड एक बात को समझना जरूरी है कि जो लोग मनी होल्डिंग करते हैं, ब्लैक मनी को होल्ड करते हैं, वो लोग कोई 10 रुपए के नोट में 20 रुपए के नोट में नहीं रखते हैं, और कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 50 रुपए का नोट छाप के उसको फेक करेंसी नहीं क्रिएट करेगा, बिकॉज इट इज नॉट वाइबल प्रपोजिशन. इफ ही हैज टू प्रिंट, ही विल प्रिंट 1000 रुपीज नोट और 500 रुपीज नोट. सो दैट ऑल्सो इज गोज फॉर अ लॉजिक. सो दैट इज अ वेरी बिग रीजन. यहाँ पे एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सब लोग कह रहे हैं कि पहले भी करेंसी बंद हुई थी, 1000 रुपए की करेंसी बंद हुई थी, क्या बड़ा काम कर दिया मोदी साहब ने. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल, देर आर सम सीनियर पीपल ऑल्सो. माई फादर सैलरी एट दैट टाइम वॉज 250 रुपीज और ही वॉज अ गजेटेड ऑफिसर इन अ बैंक. सो उनकी 4 महीने की सैलरी के बराबर 1000 रुपए होता था. मतलब इट वॉज अवेलेबल टू वेरी लिमिटेड पीपल. वो 1000 रुपए का नोट केवल कुछ हैंडफुल ऑफ लोगों के पास में अवेलेबल था. आज की तारीख में हमारे बैठे हुए सब लोगों में जो हमारे यहाँ छोटे से छोटा कामगार होगा ना, वो भी 500-1000 रुपए का नोट यूज करता है. आर यू गेटिंग मी? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस.
You can't compare 1977's 1000 rupees to today. Compare ही नहीं कर सकते. ना तो उस नोट को कंपेयर कर सकते हो, ना उसके एक्सचेंज को कंपेयर कर सकते हो. That was just for the limited period. शायद उस समय मैं नहीं समझता हूँ कि 10-12 हजार या 15,000 लोग होंगे जिनके पास में 1000 रुपए के ऊपर के नोट होंगे entire country में. There must not be more than that people. So आज हम क्या बात कर रहे हैं? लाइनें लगी हुई हैं. क्यों लगी हुई है? क्योंकि 86.4% currency is being replaced. And you know, अभी सवालों पे जब आप लोग करेंगे तो आएंगे कि secrecies कैसे या क्या से क्या चीजें होती है, how to go about them, planning कैसे करनी चाहिए. अब बात आती है, बार बार कई लोग कह रहे हैं कि counterfeiting notes का क्या लेना देना है, ये तो एक केवल हवा क्रिएट किया है या इसका कोई फर्क नहीं है. This is a clear cut denomination which is as per the RBI website. How many fake notes currency they have available with them even note wise. इसके इस डेटा के अंदर पुलिस के पास seized पैसा, enforcement directors के पास seized पैसा या जो पैसा circulation में है वो नहीं है. ये केवल RBI के पास अवेलेबल नोट्स हैं. मतलब यू कैन वेरी वेल से सी द 1,31,190 नोट 1000 के केवल आरबीआई के पास अवेलेबल है, जो कि मैं समझता हूं कुल पूरे पैसे का 2% भी नहीं, जो कि सिस्टम में पैसा होगा आरबीआई के पास में, क्योंकि बेसिक पैसा तो पुलिस के पास में होता है जो सीज किया हुआ होता है या एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास में. आरबीआई के पास तो कौन सा पैसा पहुंचता है? जो बैंकों में जमा हुआ, और बैंक आरबीआई के पास पहुंचाते हैं कि साहब ये हमारे पास में या तो फाड़ देते हैं या फिर आरबीआई के पास में उस चैनल से पहुंच जाता है. सो दैट दोज आर द नोट्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट देयर इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी विच इज अवेलेबल. मैं एक छोटी सी बात यहाँ शेयर करना चाहूंगा. एक करेंसी चेस्ट है सूरत की, उसका मैं ऑडिटर हूँ. आज मैंने एक सर्टिफिकेट साइन किया है. टुडे ओनली आई साइंड वन सर्टिफिकेट इन विच देयर वर ऑलमोस्ट 590 चेक नोट्स विच वर अवेलेबल एज फेक नोट्स. सूरत की एक छोटी सी करेंसी चेस्ट जहाँ पे 540 जो कि आरबीआई के लिस्ट में नहीं है, वो आरबीआई के पास में नहीं है, ऐसा डेटा है. So you can understand the kind of gravity it has and the kind of seriousness this thing has. तो वो समझना बहुत जरूरी है. यदि वही मैंने उस डेटा को दिखाया है कि in terms of pieces, number of pieces, how many number of pieces were available, total कितने pieces, जो केवल RBI, ये मैं डेटा बार बार बोल रहा हूँ, ये total डेटा नहीं है, ये पूरे डेटा का 1% या 2% ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. It must be even less than that. मतलब which is there and which is available. अब सब लोगों का ये सवाल आएगा कि कहाँ वर्ल्ड में, जैसे किसी ने बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया में कहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ और उसके इम्पैक्ट क्या रहे. There were demonetization in Australia in 1996. The demonetization took place where the entire money and currency has been replaced by a polyester note. They have done it and very systematically it has been done. The purpose was totally very different. May not be like India where we are talking about black money, forged notes, bogus notes, or जो भी हम बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल different. Reasons थे वहाँ पे, but वो बहुत ही successfully implement हुआ और आज की तारीख में everything is working there. In 1996, same thing has been done in United States. United States में सब लोगों की जानकारी में होगा कि $100 से ऊपर का नोट नहीं है. There is nothing like an $100 note, not more than an $100 note. So there were notes for 10,000 and 1,000 which has been withdrawn by them and which is now till now it is in existence. आज की तारीख में भी 100 रुपए से ऊपर का डॉलर का नोट नहीं है, जो कि which they are doing. European Union, which is was a very different reason because all the European Unions जो थे वो एक हुए और उन्होंने एक यूरो करेंसी डिफाइन करी, डिजाइन करी, और दे हैव कम विद दैट कि हम आगे से जाके एक ही करेंसी को यूज करेंगे सारी कंट्रीज, यू नो एक्सेप्ट अ फ्यू कंट्रीज विच ऑप्टेड आउट लाइक यू कैन अदर दोज सेट की नहीं भाई हम नहीं कर पाएंगे, बाकी सब मेजर कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन के देहब. सो उस समय पे भी ये पूरा रिप्लेसमेंट हुआ था, पूरा चेंज हुआ था और सारी करेंसीज की जो मॉनेटरी नोट्स थे दे हैव बीन रिप्लेस्ड. देयर आर फ्यू कंट्रीज व्हिच हैव डन इट बट दे हैव मिस्ड मिजरेबली. Attempt which was not a right attempt rather it, and countries jo hain wo kaun kaun se hain. Soviet Union jisme 1991 mein Gorbachev has tried doing that and uske baad mein Myanmar, Ghana, Nigeria, these are the things, but it was
actually failed. And ये countries में से बहुत सारे छोड़ते इनको छोड़ दें, बाकी countries में dollar as a parallel note चलता है. आप यदि म्यांमार में जाएंगे, कंबोडिया में जाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उनकी करेंसी में पेमेंट करें या डॉलर में पेमेंट करें. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपन अपने आप को घाना से कंपेयर नहीं कर सकते, नाइजीरिया से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, या हम अपने आप को म्यांमार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जहां पे कि रीजन ही बहुत अलग है. सोवियत यूनियन का बहुत ही अलग रीजन था. कहते हैं कि जो वहां की एक्चुअली जो मनी होल्डर्स थे, जिन लोगों ने, उन्होंने दे मेड इट अ पॉइंट कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, यू नो व्हिच वाज दिस. सो दिस इज द यू नो हिस्ट्री ऑफ द दिस. इससे पहले कि क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि नोट छापने का पूरा कैपेसिटी को एनहेंस किया गया 2015 में मैसूर के अंदर, और ऐसा कोशिश की गई कि वो पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनेबल हो. इंडिया के अंदर ही सारे नोट्स प्रिंट, जो पेपर है वो भी इंडिया का ही पेपर हो पूरा का पूरा, वो पूरा प्रयास किया गया. और उसके अलावा क्या क्या किया गया, उसके अलावा 2005 के जो नोट्स थे उनको पूरा तरह से विड्रॉ किया गया. वॉलंटरी आईडीएस जो अभी आके गई है, यू नो एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट, जिसके अंदर 65,000 crore रुपए आया. सो इट द अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू ऑल द पीपल, दोज हु आर हैविंग ब्लैक मनी, टू कम आउट एंड डिक्लेयर देयर इनकम एज अ यू नो ब्लैक मनी और वॉलंटरी डिस्क्लोजर करें वो. उससे पहले एक बहुत ही बड़ा स्टेप जिसका फायदा अब दिखाई दे रहा है, जनधन योजना. प्रधानमंत्री आए और उन्होंने सबको बोला कि ओपन ए बैंक अकाउंट, ओपन ए बैंक अकाउंट. एंड इवन बैंक्स हैव बीन पुट ऑन अ टास्क कि भाई आप जितने लोगों का अकाउंट खोल सकते हैं, जितने ज्यादा अकाउंट खोल सकते हो वो खोला जाए, जिसका बेनिफिट यू नो सब्सिडीज में भी देखा गया कि गैस सब्सिडी को जो इन्होंने पूरी तरह से रिमूव किया वो यही कर पाए, क्योंकि जनधन योजना में लोन खुला था. और फर्टिलाइजर सब्सिडीज ऑल्सो नेक्स्ट कॉर्नर विच इज गोइंग टू बी कमिंग वेरी सून. फर्टिलाइजर सब्सिडी इंडिया में पूरी तरह से अकाउंट क्रेडिट होने लग जाएगी, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मूव अगेन. सो जनधन योजना को किया. प्रोमोटिंग डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज, यू नो द न्यू गवर्नमेंट एंड द प्रधानमंत्री हैज गिवन ऑन डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल करेंसी. इट वाज ऑलवेज बहुत सारी बातें हुई बिटकॉइन को लेके और भी सब चीजों को लेके, कई सारी करेंसीज को लेके, जिनके अंदर ये सारा का सारा. और आज आप देखोगे तो एक्चुअली पिछले कुछ दिनों के अंदर वैसे भी बिकॉज ऑनलाइन के कारण भी देयर इज ऑल अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत इंक्रीज हुई है, तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप कैश, यू नो कैश ऑन डिलीवरी इज वन मेथोडोलॉजी, बट देर आर सम पेमेंट्स, लाइक आप यदि सिनेमा का टिकट बुक कर रहे होते हो तो आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हो या बैंक से पेमेंट कर रहे होते हो. मोस्ट ऑफ द जो आप रेलवे टिकट्स, आज रेलवे टिकट्स का हम रेशो देखें पिछले 4-5 सालों के अंदर तो एकदम ड्रामेटिकली चेंज हो गया है अभी, विच इज देयर. And banks been urged to invest in the digital India. बहुत high, heavy level के ऊपर पिछले 2-3 सालों के अंदर सारे banks को ये request की गई है, inform किया गया है कि आपको अपने पूरे platform को change करना है, अपने platform को upgrade करना है और जितना हो सके अपने आप को digitally equip करना है. Which is a very big step. Again, excise levied on gold and PAN card compulsory for the purchase of gold. Which is a very big step. Very big step. You need to appreciate, understand, it is not about money which will be collected. It is about capturing a data. सबसे important जो चीज़ होती है वो capture. यहाँ मैं एक बहुत बड़ी बात रखना चाहता हूँ. 1,000 rupees का check और 1,000 rupees का note की value अलग-अलग होती है. एक value होती है. लेकिन वो 1,000 rupees का note मैंने आपको दिया, आपने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया. वो कहाँ गया मालूम नहीं पड़ता है. लेकिन यदि मैंने आपको 1,000 rupees का check दिया, आपने इनको दिया, सो वी कैन ऑलवेज हैव अ ट्रेल ऑफ द मनी विच इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी वेरी रुपए की कीमत चेंज नहीं हुई है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच इज देयर टीसीएस इज बीन मेड कंपल्सरी ऑन द कैश ट्रांजेक्शन, यदि टीडीएस जो आपको सोर्स के ऊपर काटना पड़ेगा, यू नो. अब इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, क्या इमीडिएट इफेक्ट आएंगे? कैश लाइंग आइडियल हम खुद देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिन लोगों के घरों में कैश पड़ा हुआ था, यू नो सेव करके बहुत समय से, दे हैव कम आउट एंड दे आर डिपॉजिटिंग इट, विच इज इन अ वे अ वेरी गुड साइन. एंड बहुत सारे ऐसे लोग जिनके रियली कैश पड़े हुए थे, या एक आदत ही थी कि भाई 5 lakh rupees का कैश या 2 lakh rupees का कैश लोग रखें, या और भी ज्यादा बड़ी होल्डिंग करके लोग बाग रखते थे, दे आर नाउ प्रमोटिंग इट कि भाई बैंक में जाके हम अपना पैसा जमा कराएं और उसको चेंज करें, जो कि इकोनॉमी में आएगा. एक्चुअली व्हेन यू विल बी डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक, eventually it will come in the economy, it has come in the economy. Fake currency will be out. यदि आप आज की तारीख में, लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि नया नोट नहीं छपेगा क्या, नया फर्जी नोट नहीं छपेगा, बिल्कुल छप सकता है.
लेकिन आज जो सर्कुलेशन में उसको रोकना तो जरूरी है और उस तरह का कोशिश करना कि अभी आगे इस तरह की प्रिंटिंग नहीं हो. आई थिंक दैट इज ऑलवेज यू नो जस्ट कि ऐसा होगा उसके लिए डिसीजन नहीं लेना वुड नॉट बी अ राइट थिंग. सो दैट विल बी वन थिंग. फंडिंग ऑफ टेररिस्ट शुड बी एक बहुत बड़ी बात रखी जाती है कि क्यों अमेरिका में एक जो WTC के हमले के बाद में हमला वहां पे नहीं हुआ. उसमें बहुत बड़ा रीजन रहा कि उन्होंने टेररिस्ट आउटफिट के जितनी भी फंडिंग्स थी उनको ब्लॉक कर, उन्होंने उसको रोक दिया. दे मेड इट अ पॉइंट कि कोई भी आदमी जो इस तरह का मनी होल्ड कर रहा था या बेनामी ट्रांजेक्शन हो रहे थे या इस तरह के अकाउंट होल्ड कर रहे थे, दे हैव मेड अ ह्यूज यू नो एक्सरसाइज फॉर दैट. एंड द इम्पैक्ट इज क्योंकि पैसा तो चाहिए. इफ यू वॉन्टेड टू रियली सपोर्ट अ टेरर, अभी बार बार बात आ रही है क्यों पत्थरबाजी नहीं हो रही है कश्मीर के अंदर, तो देर इज अ रीजन, देर इज अ लॉजिक टू दैट, बिकॉज वेन पीपल आर फंडेड फॉर दैट दे आर नाउ नॉट बीन फंडेड. सो गवर्नमेंट फाइनेंस विल बी न्यू लीज, यू नो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सडनली पीपल आर गेटिंग इनकरेज, वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेली गेटिंग कि गौरव जी क्या एडवांस टैक्स भर दें हम लोग, पीपल आर गेटिंग इनकरेज फॉर दैट एंड दैट इज गोइंग टू बी इमीडिएटली हैपनिंग एंड वी आर सीइंग दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज 15 दिसंबर से पहले शायद बहुत अच्छा एडवांस टैक्स का कलेक्शन भी होना चाहिए. लैंडिंग रेट्स सर्टेनली, आज भी मैडम उषा का जो PNB की चेयरमैन है उनका स्टेटमेंट था कि 1% रेट ऑन एंड वी आर सीइंग मतलब विच इज गोइंग टू बी सर्टेनली देयर विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इम्पैक्ट. यदि 1% इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन टेल यू हाउ बिग बेनिफिट इट इज, हाउ बिग कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि कम आती है तो लोगों के ऊपर रियल इसका एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग. जनधन अकाउंट्स विल बी क्लीन सर्टेनली, बिकॉज जो जनधन अकाउंट पहले खोले गए थे कि साहब बिना पैसे के अकाउंट खोल दिए गए हैं और ये तो लाइबिलिटी है बैंक के लिए, इसमें तो पैसा ही नहीं है, रादर इनको सर्विस करना पड़ता है ना, उसका पूरा कॉन्ट्री डिफरेंट सिचुएशन हो गई है. जिन बैंकों ने प्रोएक्टिव होकर ज़्यादा जनधन अकाउंट खोले आज वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि उनके पास में ज़्यादा लोग आ रहे हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए. सो एक्चुअली जो आज के एक साल पहले इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि खाली अकाउंट खुलवा दिए हैं बिना पैसे के अकाउंट खुलवा दिए हैं अब इनके अंदर करेंसी नहीं है, एक्चुअली उसका यदि अपन आज जाके देखें तो उसका पूरा बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा है, दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट. ट्रांजेक्शन फॉर कैश बेस्ड टू सर्टेनली, पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप पे बहुत सारे चल रहे हैं कि कलकत्ता के अंदर एक पानीपुरी वाला एक पेटीएम को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें. सो आई थिंक देयर इज एन एनकरेजमेंट, देयर इज अ ह्यूज एनकरेजमेंट फॉर पीपल टू गो डिजिटल. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पिछले 10 दिनों में जिन्होंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, दे मस्ट बी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. टुडे माय वन ऑफ माय काइंड 6 क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर, बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. एंड इफ इट दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, देखिए एक बात को तो पहले भी समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज का इम्पैक्ट 100% नहीं होता है. नथिंग कम्स कि लाइक इज दिस इज डन देन 100% प्रूफ, नो दैट नथिंग इज गोइंग टू बी हैपनिंग लाइक दैट, बट इफ फ्यू पीपल आर एनकरेज्ड बाय दैट दैट आल्सो इज अ ग्रेट यू नो थिंग फॉर अस. डिफॉल्ट ऑफ बिजनेस हाउसेस, हमने देखा कि बॉम्बे के अंदर 100 करोड़ का कलेक्शन हुआ है हाउस टैक्स और इनके अंदर जो सारी SMC के अंदर या एवरीवेयर वी हैव फाउंड दैट जो भी डिफॉल्ट्स थे पीपल स्टार्टेड, मे बी इट मे बी अ वन टाइम थिंग बट यस देर इज अ कलेक्शन ह्यूज कलेक्शन एंड बहुत lot of us as a businessman also collected lot of money so that is also there. Ab tak 9 tarikh se leke aaj 12 tarikh tak 7 crore transactions ho chuke hain bank ke andar, logon ne paisa jama karaya hai jiska record government ke paas mein ab available hai. Government has a record ki kahan paisa jama hua, kaun kitna cash withdraw kar raha hai, wo sab ki puri jankari hai. Approximately जैसे मैंने आपको पहले बताया था टोटल 1,460,000 करोड़ के आसपास का करेंसी है जो कि 500,000 के नोट में है, उसमें से करीब करीब 5,00,000 करोड़ आ गया है. मैं इसके बारे में अभी बात करूंगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. 155 लाख मनी, बहुत सारे ऐसे मनी के डिस्प्यूट्स थे जो कि लोकल अदालत में थे जो कि एक दिन में सेटल हुए हैं अभी रिसेंटली. ये इमीडिएट इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आगे क्या होंगे वो तो मैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट. 5,00,000 करोड़ बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ है, 1,460,000 करोड़ आना चाहिए. यदि इसमें से 2,00,000 करोड़ नहीं आता है तो गवर्नमेंट को विंडफॉल गेन होगा 2,00,000 करोड़. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. यदि 14,00,000 करोड़ आ गया तो केवल एक ही बेनिफिट होगा कि जो
डुप्लीकेट नोट्स थे या जो कि फेक नोट्स थे वो इकोनॉमी से क्लीन होंगे, एक्चुअली काला धन वाला इशू नहीं आएगा, तब ये बात प्रूव हो जाएगी काला धन था ही नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट में किसी आदमी ने भरा है तो फिर वो तो जो उसके इनकम कॉन्सिक्वेंसेस हैं टैक्स के वो बियर करेगा, बट देयर वाज एक्चुअली नो नॉट अ ब्लैक मनी अवेलेबल इन द सिस्टम व्हिच दे वर सेइंग, वो तो 30 तारीख को 30 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। सो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा सक्सेस का डिपेंडेंसी इस बात पे होगी कि टोटल बैंक में पैसा आता कितना है, क्योंकि यहां पे यदि कम आता है तो इट इज इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज दे विल बी, जैसे मैंने पहले बताया, रिजर्व्स, दे विल बी इन द पोजीशन टू प्रिंट न्यू मनी। यदि 2,00,000 करोड़ कम आया तो दे विल बी इन द पोजीशन टू प्रिंट 2,00,000 करोड़ न्यू मनी टू गिव टू बैंकर्स और गिव इन द सिस्टम, विच इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग विच इज गोइंग टू बी which you need to understand and कि उसके consequences क्या होंगे। मतलब people may be thinking कि आप नोट ले रहे हो, नोट तो ले रहे हो, आपने जब पूरी सिस्टम में से उतना रुपया बंद कर दिया तो आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है, जैसे मैंने पहले समझाया कि रिजर्व्स होते हैं तो उसके ऊपर आपको ये अवेलेबिलिटी मिल जाती है कि आप इतना नया नोट प्रिंट कर सकते हो, विच इज गोइंग टू बी बूस्टिंग इकोनॉमी बहुत बड़ी तरीके से। अभी यदि इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखें तो 500 और 1000 करेंसी विल बी स्टॉप आउट ऑफ द सिस्टम प्रैक्टिकली, एंड पीपल आर सेइंग दैट गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी लॉट ऑफ लिमिट्स ऑन द विथड्रॉल आल्सो, हवाला एंड टेररिस्ट फंडिंग विल बी इफेक्टेड, ह्यूजली इफेक्टेड, सर्टेनली ह्यूजली इफेक्टेड। बिजनेसमैन कैन फाइंड अ वे टू डिपॉजिट इन द बैंक बाय डिफरेंट वेज, बट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट, आई एम श्योर ऑफ दैट। कि एक बिजनेसमैन तो ये फाइंड कर लेगा कि यार मेरे पास 40,00,000 रुपए है, मैं कैसे इसकी बात करूं, कैसे करूं, हो सकता है वो कोई और रास्ता खोज ले, हो सकता है, आई डोंट हैव एनी रिप्लाई टू दैट, बट ग्रोथ इन द इकोनॉमी सर्टेनली देयर इज गोइंग टू बी, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट विल बी इंप्रूव्ड, सर्टेनली देयर विल बी अ डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट, देयर इज गोइंग टू बी अ सीरियस, हो सकता है 6 महीने तक कैश का इंपैक्ट आए, कि कैश नहीं होगा तो उसका इंपैक्ट आएगा, बट लॉन्ग टर्म में इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 बेनिफिशियल। मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात यहाँ रखना चाहता हूँ, लोगों का ये है कि भाई लोग खरीदेंगे कैसे, आज तो कैश से आदमी खरीदता है, कपड़ा खरीदता है और सब कुछ खरीदता है, तो कैसे कल से शॉपिंग ही नहीं होगी, कल से तो परचेजिंग ही नहीं करेंगे। अमेरिका में लोग कपड़े खरीदते हैं, ब्लैक इकोनॉमी है वहां पे। ऑस्ट्रेलिया में लोग कपड़े खरीदते हैं, यूरोपियन यूनियन में लोग कपड़े खरीदते हैं, हमसे बहुत ज्यादा खरीदते हैं। आप जाएं सबसे बढ़िया ब्रांड जो हिंदुस्तान के अंदर जिस कीमत के पर्स और जिस कीमत की चीजें नहीं मिल सकती है वो वहां मिलती हैं, लोग बड़े आसानी से खरीदते हैं और लाइन लगा के खरीदते हैं। तो ये बात का भ्रम पैदा करना कि क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी इसलिए लोग परचेसिंग करते हैं और कल व्हाइट की इकोनॉमी हो जाएगी इसलिए परचेसिंग नहीं करेंगे, आई डू नॉट एग्री टू दैट आइडिया। टूडे यू हैव एन ऑप्शन, सो यू एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। कल यदि आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होगा, आपके पास एक ही तरह की करेंसी अवेलेबल होगी कि व्हाइट मनी, सपोजिंग ऐसा मैं मान्यता रखता हूं, यू नो अगेन आई वांटेड टू से, सो सर्टेनली पीपल विल, दोज हु वांट टू बाय विल बाय, सो डोंट थिंक इट मे बी अ टेंपरेरी थिंग फॉर अ 6 मंथ दैट यस पीपल विल बी कॉशियस अबाउट इट, बट इवेंचुअली व्हेन यू हैव अ ब्लैक व्हाइट मनी यू विल परचेज। So purchasing power will not go away. It is not happening कि today आप बढ़िया कपड़ा खरीद रहे हो क्योंकि आप 5,000 रुपए कैश देके ले आए, कल आप क्रेडिट कार्ड से खरीदोगे तो नहीं खरीदोगे। I don't agree to that. Certainly, it may be a very temporary phenomenon कि हो सकता है 6 महीने तक हम इस तरीके की चीज को सोचें, बाद में हम इस चीज के लिए used to हो जाएं कि हाँ हम purchasing करेंगे। और you can very well, जो भी लोग बाहर travel करते हैं, they can very well see that purchasing power of those who are in a white economy is much higher than us, much much higher than us. बैंकिंग सेक्टर विल बी इम्प्रूव, सर्टेनली इट विल बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि यदि 1,00,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, यदि कुछ भी मतलब ऑल कैन विश, यदि ऐसा कोई भी अमाउंट हुआ तो बैंकिंग चैनल में वो पैसा आएगा और गवर्नमेंट प्रिंट करके एक्चुअली बैंक्स को कैपिटल के रूप में वो पैसा दे पाएगी, विच विल बी अ ग्रेट ग्रेट एफर्ट फॉर ऑल ऑफ अस एज अ बिजनेसमैन, वी विल बी ह्यूजली बेनिफिटेड बाय दैट, ह्यूजली बेनिफिटेड बाय दैट, सो विच इज अगेन अनदर थिंग। टेक्निकल एंड डिजिटल इंडस्ट्रीज विल ग्रो, सर्टेनली इट विल ग्रो, बिकॉज यदि आगे सब चीजें डिजिटाइज होने वाली हैं और सारा करेंसी का चेंज होने वाला है तो सर्टेनली देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन दैट, लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे इस तरह के चीजों में। आज कार्ड स्वैपिंग मशीन्स इंक्रीज होंगी, आप यू मस्ट बी, ये डेटा तो अभी 2-3 महीने में आएगा जब मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली कितना इंपैक्ट आया, बट सर्टेनली देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन दैट। स्मॉल बिजनेस न्यू एंटिटीज विल बी इंक्रीजिंग सर्टेनली, बिकॉज लैंडिंग रेट यदि कम होती है उसका
बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि आज भी जो बड़े घर हैं उनको तो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल जाता है, बिकॉज दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. एक्चुअली जो मिड का आदमी होता है, जो बीच का बिजनेसमैन होता है, एमएसएमई बिजनेसमैन होता है, एसएमई बिजनेसमैन होता है, उसके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट उसको, यदि एक्चुअल रेट कट होती है तो उसका बेनिफिट उसको सबसे ज्यादा मिलता है. सो विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड. बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी मार्केट शेयर्स टू बी इंप्रूव्ड सर्टेनली. यदि वाइट की इकोनॉमी होगी तो उसका बहुत बड़ा फायदा शेयर्स का, म्यूचुअल फंड को, बॉन्ड इंडस्ट्रीज को होगा, which is going to be there certainly, because you have a very limited option of investment and one options, because jab aapke paas mein land, gold aur currency ko rakhne ka option khatam hota hai, to aap share market is very good option, and then when white economy is there, then companies are probably showing the right results also, so that will also be a very big progress towards white economy certainly. Wo to hamare liye bahut required. Yes, there will be one sector which is going to be hugely impacted is a real estate sector, जिसने एक्चुअली बहुत बड़ा एक यू नो ब्लैक कन्वर्ट किया है इस कंट्री के अंदर भी. यदि आई विल बी एबल टू टॉक टू यू अबाउट दैट कि क्यों उसने इस तरह से पैसे को क्रिएट किया है, विच आई विल बी टॉकिंग टू यू. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे परचेज करते हैं घरों को, और जिनके पास में सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है, दे टेक फ्रॉम मनी फ्रॉम समवेयर एल्स, और दे जनरेट उनके ही पैसे को कैश में जनरेट करते हैं और उसके बाद में पेमेंट करते हैं. So actually क्या होता है, हम अपने ही कैश इन हैंड या जो हमारे पास में वाइट का मनी अवेलेबल है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हो, विच इज अ वेरी बिग इफेक्ट. आज कल एक न्यूज थी कि भाई जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि वेकेंट लैंड्स हैं, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, जो कि 8 साल से, 5 साल से, 10 साल से लोगों ने खरीद के रख रखे हैं और डेवलपमेंट अथॉरिटीज से परचेज करके रखे हैं, बिग, वेरी बिग. यदि ये होता है, मालूम नहीं, यदि होता है तो बहुत बड़ा मूव. एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में स्थिति क्या हो गई है कि लैंड हैज बिकम द बिगेस्ट कॉस्ट फॉर देम. लैंड सबसे ज्यादा महंगी चीज ही लैंड हो गई है, और इंडस्ट्रियल लैंड का होल्डिंग करने वाले लोगों का तो रोक होनी ही चाहिए. इफ यू आर नॉट पुटिंग इंडस्ट्री, गिव बैक टू जीआईडीसी, गिव बैक टू द डेवलपमेंट अथॉरिटीज, सो दैट एनी पर्सन हु वांटेड टू, आज क्योंकि लोग होल्डिंग कर रहे होते हैं इसके लिए उसकी प्राइसेस बढ़ रही होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेक्शन. सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी देयर. ये मूव इस समय लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जीएसटी के पहले लाना बहुत इंपॉर्टेंट था. टू मी इट्स अ ग्रेट थॉट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू ब्रिंग इट बिफोर जीएसटी, बिकॉज इंडिया इज चेंजिंग फ्रॉम द टैक्स सिस्टम्स. वी आर कमिंग विद अ न्यू टैक्स सिस्टम. जीएसटी इज गोइंग टू बी चेंजिंग द इंटायर टैक्स सिस्टम. तो बहुत सारे लोग नई फर्में क्रिएट करेंगे, बहुत सारे लोग नए तरीके से बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, और उस समय उनकी थॉट 100% ये होगी कि मैं ऐसा ध्यान रखूं कि मैं कैसे वाइट में ज्यादा ज्यादा काम करूं ताकि मेरे को जीएसटी का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिल सके. सो ये बहुत, शायद इसको जीएसटी के एक साल बाद लाते तो उतना बेनिफिट नहीं होता जितना कि जीएसटी के 4 महीने पहले या 5 महीने पहले इसको लेके आए हैं. जो भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन टेल यू, हर आदमी ये प्लानिंग कर रहा है कि हम नई फर्मों में कैसे करेंगे, पहले जो हमारे टर्नओवर्स थे हम वो दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, किस तरह से हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या चीज रहेगी. आप उस समय पे यदि इस चीज को लेके आते हो तो आदमी के दिमाग में एक क्वेश्चन और होता है कि मुझे वाइट कैसे काम ज्यादा करना है, टर्नओवर कैसे करना है, तो मेरी नई एंटिटी जो क्रिएशन हो या नया जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं उसके अंदर उस चीज को मैं मर्ज करके करूं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो टू मी टाइमिंग ऑफ दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज नाउ ही रियलाइज दैट जीएसटी इज पास्ट. Everything is through for GST. Now there is absolutely no unclarity towards GST. GST is going to be coming from 1st of April. So bringing this on 8th of November, giving a 5 months to everybody to understand ki iske jo bhi 15 din 20 din 20 din tak kiska jo bhi matlab negative euphoria hai wo bhi die down ho jayega aur hum log ek positive tarike se GST ki taraf dekhne lagenge. So which is going to be a major thing. To me, yadi aap mere se poochhe, certainly it's a great move, master stroke by a prime minister. It is an amazing thing. Only a very dared person, jiske andar really courage ho, wo hi ye stand le sakta hai. Somebody was telling that earlier governments were ready with it, but because they found that there are multiple problems, that's why they did not. So that means political will was missing. You need to understand that. Iska matlab ye hua ki political will missing thi, ya उनके उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट थे, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट ब्रॉट इट. एंड एक्चुअली जैसा हम अभी पढ़ रहे हैं, वी आर आल्सो रीडिंग इन एवरीबॉडी, द कॉन्फिडेंशियलिटी हैज बीन केप्ट टू द लास्ट. नो पर्सन हैज एवर कम एंड स्टैंड कि यस
मेरे को तो मालूम ही था, आई वॉज श्योर अबाउट इट. मतलब आप जो पूरी तरह से चीजें, क्योंकि अब तो अनफोल्ड हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग कब बुलाई गई, कैसे लोगों को क्या किया गया, किन लोगों को मालूम था, किन लोगों को नहीं मालूम था. एक्चुअली देयर वाज वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल, इवन आरबीआई गवर्नर वाज नॉट नोइंग द डेट एंड द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. सो वी शुड अप्रिशिएट दिस. यदि एक जहां पे हर 5 मिनट में व्हाट्सएप के ऊपर पूरी दुनिया घूम जाती है, क्या एक व्हाट्सएप था? वॉज देयर अ सिंगल व्हाट्सएप विच वॉज सेइंग कि करेंसी बंद होने वाली है? So it was a great effort. अब यदि आप कोई भी चीज को कॉन्फिडेंशियलिटी में करोगे तो प्लानिंग तो लैक होगी, क्योंकि प्लानिंग नीड्स टाइमिंग, प्लानिंग नीड्स मोर पीपल, प्लानिंग नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू बी. यदि आप लोगों को जाके ये बोलोगे एटीएम वालों को कि भैया एटीएम इस तरह से बदल दो कि कल से वो 1,000-100 रुपए के नोट ही, तो कौन बेवकूफ है जिसको मालूम नहीं पड़ेगा कि कल क्या होने वाला है? आर यू गेटिंग मी? हमारे यहाँ पे सारे लोग हैं कि यदि इनकम टैक्स बिल्डिंग के अंदर नीचे 5 गाड़ियां मंगाई गई है तो कल क्या होने वाला है, सबको मालूम होता है कि नहीं? आई मीन यू नो व्हाट आर द इंडिकेटर्स, दीज आर द इंडिकेटर्स. तो यदि आप जाके लोगों को इन्फॉर्म करते हो कि भैया ये तैयारी कर लो, आप इस तरह से नोट छाप के रख लो और सारी जगह पे आप नोट भिजवा देते हो, तो बैंक ऑफिसर्स बेवकूफ तो नहीं है कि आज वो देख रहे हैं कि कल तक तो नोट थे ही नहीं हमारे पास में और आज करेंसी के अंदर इतने बड़े बड़े यू नो नोट आ गए हैं. सो दैट विल बी अ क्लियर इंडिकेशन. सो सेइंग कि इट वाज अनप्लान्ड, आई वुड से इट वाज वेरी मच प्लान्ड. एंड इट डस इन दिस काइंड ऑफ अ थिंग सीक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप करेंसी 86.4% ऑफ करेंसी कंट्री की चेंज कर रहे हो और आप ये कहो कि नहीं साहब मालूम हो, तो मालूम तो फिर यदि एक आदमी को भी मालूम पड़ गया तो फिर तो बात खत्म हो. देन इट द एंटायर प्लानिंग गोज ऑफ फॉर द टॉस, which is a very commendable thing, which is we should be really appreciating that thing, that it has been really done in a very, very confidential way. And my urge to everybody is, let's support it. Pahli baat, shayad government ke decisions ko hum is tarah se parivartit nahin karte hain, aur yadi kini ko chunke hum bhejte hain, ye maan ke ki wo log achha nirnay lenge, jo ki abhi tak dikhai deta hai, kaun? Itni series yadi koi aadmi jandhan yojna plan karta hai, आइडियाज लेके आता है, बैंक अकाउंट्स को डिजिटाइज कराता है, आपके प्रिंटिंग प्रेस के अंदर नोट प्रिंटिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है 1.5 साल पहले जाके, तो इसका मतलब वो आदमी सोच रहा है. इट इज ब्रिंगिंग इन अ वेरी फेज्ड एंड अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. एंड दिस इज जस्ट अ क्लिनजिंग प्रोसेस. ये ब्लैक मनी को रोकने वाला प्रोसेस नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये प्रोसेस से ब्लैक मनी नहीं रुकेगी, करप्शन नहीं रुकेगा. बिकॉज आपने आज करेंसी बंद कर दी तो करप्शन नहीं रुकता है उससे. लेकिन इससे क्या होगा, अभी तक का जो कुछ भी सिस्टम में है वो क्लींजिंग होगी. सो वी एज आई सर्टेनली इट्स गोइंग टू बी मेनी अदर स्टेप. एंड आई सी बिफोर 1st of February व्हेन द बजट इज गोइंग टू बी कमिंग, 10 सच स्टेप्स विल बी कमिंग विच विल बी कर्विंग आउट द करप्शन एंड द ब्लैक मनी, सर्टेनली, which he has openly from the dais also spoke about it, and humko saaf aisa dikhai deta hai ki 100% aisa hone wala hai. So please do not think that it is just a, is tool ko kiye bina baki step ka koi matlab hi nahi tha. Yadi aap existing system ko cleansing hi nahi karte ho, uski cleaning hi nahi karte ho, ki usme jitna bhi black money available hai usko saaf nahi karte ho, uske andar fake currency available hai usko saaf nahi karte ho, to baki sare liye hue steps ka koi matlab hi nahi hai. So you have to first do this step to make sure that other steps are falling in place. Yahi system. So if you go in a very chronological order ki bank account khul rahe hain aur uske baad mein ye aa raha hai fir, so it can be very well seen that there is going to be another dhamakas, series of dhamakas in another 3-5 months, certainly to me, you know, I could really see and see. So house is open for an interaction if you have any points which you would like to discuss. इन फ्यूचर में मनी की जो वॉलेट जो है वो वाला, उसकी क्या इंपैक्ट होगी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर? देखिए दो चीजें हैं. यदि बैंक के विड्रॉल के ऊपर लिमिट नहीं लगाई तो यस, 1.5-2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर करेंसी वापस कैश इकोनॉमी में कन्वर्ट होगी, सर्टेनली होगी. बिकॉज एज एन पीपल वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइज एंड डिसिप्लिन पीपल, ये तो इन्होंने किया है. यदि कोई विड्रॉल लिमिट नहीं रखी गई तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो कैश होल्डिंग है उसको हम खत्म कर पाएंगे. हाँ, आज तक का जो कुछ लोगों ने गलत पैसा दबा रखा है या इस तरह का जो पैसा है वो क्लीन होगा और फेक करेंसी का.
long time we are taking to social media, we are encouraging to have a cashless economy. I propose to have a separate session for that also, but for now, what's your opinion on that? Certainly, I am in a strong favor of that. That because we have a so vast country and diverse country, and people still don't know how to fill up their forms and all. It will surely come. But as a chartered accountant, economically point, what do you see if we have a cashless economy? No, in our country, having total cashless situation will never come, and it can't come. You need to understand, when your rural area population is so high, so thinking that cashless economy will come in India, we are maybe 20-25 years away from that. I don't see that happening, but yes, there will be a transition shift. There will be a shift. Yadi is pure effect ka 10% bhi log digital pe shift hote hain ya bank process pe shift hote hain, bahut bada achievement. Bahut bada achievement. Because aap ek country mein yadi apan dekhe to ye steps hai. One step will be taken, another step will be taken. Next time, some 10 another person, supposedly 2-3 saal baad koi aur kuch hua, to 10-20% aur log convert honge. That's the way. And that is going to be happening. Sir, jo abhi naya humor aaya market mein, banking transaction tax kari. नहीं अभी तक वैसी कोई मतलब अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है. और ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर ध्यान नहीं दें, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है. और एक बात मैं यहाँ पे और रखूँगा, कई लोगों का ये सवाल है कि भाई कैशबुक में हमारे कैश बैलेंस बोलता है क्या करना है. बिल्कुल जाके जमा करा दीजिएगा, बिल्कुल डरिएगा मत. आपकी बैंक आपकी कैशबुक के अंदर जो भी ऑथराइज कैश हो प्लीज़ डिपॉजिट. उसका एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ, क्योंकि यदि मान लीजिए 30 लाख रुपये का कैश बैलेंस बोल रहा है और 86% पूरी करेंसी का क्या है, 500 और 1000 के नोट हैं, तो यदि मैं मानूं कि 30 लाख रुपए का 25 लाख रुपए तो आपका इसी करेंसी में होगा, आप तो उससे विभेद. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास 100 रुपए का ही पूरा 30 लाख रुपया था. आर यू गेटिंग मी? एक तारीख को वो पैसा आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा. 31 दिसंबर को आपको वो पैसा राइट ऑफ करना पड़ेगा यदि बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो. सो प्लीज डिपॉजिट. If income tax department will ask, they'll be a reply for that, because you have a cash balance. But what I'm talking about is only about the authorized cash balance available in your books. That's a very clear state of mind. क्योंकि ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि आप यदि कैश नहीं जमा कराओगे तो आप 8 तारीख के बाद खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो tenderable नोट ही नहीं था. और 30 तारीख के बाद में उस पैसा वो रद्दी हो जाएगा, वो पैसा अवेलेबल ही नहीं है, बैंक में भी डिपॉजिट नहीं किया जा सकता. तो आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, यदि आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन का आंसर देना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि आप अपनी कैश बुक बैंक के आप कैश बुक के अंदर दिखा रहे हो कि मेरे पास 25 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए कैश है, और आप जाके 1 जनवरी को बोलते हो कि मैंने तो 1 रुपया डिपॉजिट नहीं कराया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी विल आस्क यू कि पैसा कहाँ गया, कैश बैलेंस था कहाँ पे. That is going to be a more difficult question to reply. Tomorrow. Sir, वो उसके ऊपर कोई restriction नहीं है, but yes, आपके पास यदि available है और सच में आपके पास cash balance available है, तो why not to deposit in a one stroke? That is a more better thing. लेकिन एक कोई notification आया था income tax का. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. और यदि आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करेंगे और 12.5 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करेंगे तो देयर विल बी नोटिस. यस, वो तो आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं. वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, आपने पढ़ा? हाँ, बिल्कुल पढ़ा था सर. मतलब क्लियर कट है कि सेविंग बैंक में 50, मैंने सर कल 1 लाख रुपए जमा कराया. बिना पैन कार्ड तो पहले भी 50,000 था ना. यू कैन बी सॉफ्ट नोटिस कि आपने 1 लाख वो जनधन के लिए, जनधन के लिए नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है. मेरे पास अभी भी है वो अवेलेबल, आप उसको एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं यहाँ पर हाउस के सामने. उसमें कहीं पे भी जनधन का अपने नाम नहीं है. इट इज क्लियर कट कि एक बार में 50,000 से आप जमा नहीं कर सकते इनकम टैक्स नोटिफिकेशन. ऐसा कोई भी 15 तारीख का है, आज 17 18 तारीख हुई है, 15 तारीख का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन कि करंट अकाउंट में 12.5 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, और इसमें एक दिन में 50,000 से ज्यादा टोटल अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा, उसके बाद में आपके ऊपर नोटिस होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा. क्या ऑन बुक कैश बनने का लाभ दे? हाँ, 30 तारीख
30 December. तो 50 दिन दिए गए हैं ना. Tomorrow I am going to conduct one elocution over here on the same subject, demonetization, advantages and disadvantages. You have thrown only about the advantage. But जो मेरे से कल जो सवाल पूछे जाएंगे या जो भी चर्चा होगी उसमें एक बात जरूर सब बोलेंगे कि जब ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया गया था तो 2000 का नोट लाने की कहाँ जरूरत थी. उसका अपना एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है कि आपको यदि सर्कुलेशन में से 86.4% करेंसी को रिप्लेस करना हो तो आप केवल बड़े नोट से उसको रिप्लेस कर सकते हो, छोटे नोट से रिप्लेस नहीं कर सकते हो. 100 रुपए के नोट को छाप के आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो. और दूसरा, आप सेम डिनोमिनेशन का यदि नोट लेके आओगे तो वो करेंसी, आज मैंने ये 1000 रुपए का नोट जमा कराया, कल वापस डिपॉजिट किया, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट कि वेदर इट्स अ न्यू नोट और इट्स अ ओल्ड नोट. सो दैट्स अ वेरी बिग रीजन एंड इट इज अ वेरी थॉटेड रीजन. सो सम पीपल आर सिटिंग इन दिल्ली एंड स्टेटिंग दिस कि 2000 रुपए का नोट, कल नहीं मालूम, हो सकता है कि आपको ये क्लीनिंग होने के बाद में ये बात आए कि 2000 रुपए का नोट विथड्रॉ हो रहा है, जनता वापस से कतार में खड़ी रहेगी. देखिए, निश्चित रूप से गौरव जी, प्लानिंग में तो निश्चित रूप से कमी है. 2000 का नोट लाने से ज्यादा जरूरी था कि 500 का नोट लाते. मगर लोग जो जिस दुविधा में 500 का नोट लाते ना आप 2000 की जगह, 2000 का नोट आप लाइन में लग के 500 का नोट भी आ गया अभी भी कहां मार्केट में. कोई भी एटीएम से 2000 और 500 अभी भी नहीं निकल रहा. देखिए, जनता को तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा यदि परेशानी है सर, मंडे से आएगा परेशान होगा. और उसके आप कॉन्फिडेंशियली नहीं रखना चाहते हो तो प्लानिंग मतलब क्या, प्लानिंग मतलब नहीं गौरव जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2000 की जगह तो 500 का नोट आप ला सकते हैं पहले मार्केट में. अपन यहाँ पे निर्णय जो लिया गया है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं. अपन क्या क्या हो सकता है उस पॉसिबिलिटी को अपन डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो प्रोगेटिव है और वहाँ बहुत सारे विचारवान लोग बैठे, समझदार लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस की होगी. आरबीआई में बैठे हुए लोग, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर थॉट लगाई होगी और उसके बाद में इस निर्णय को लिया होगा. तो प्लीज, मुझे लगता है कि उसके ऊपर अपन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसका कोई मतलब. हाँ सर, मैंने इसको पढ़ा है. तो इसमें तो नहीं है कि मतलब ये नहीं है सर, मतलब टू मी इट इज, हाँ इट इज टू मी इट इज नॉट दैट, इट इज फॉर नोटिस. यस, सर्टेनली देयर विल बी अ नोटिस. तो 50,000 यदि आपके पास में एक्सप्लेनेबल कैश है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना. तुम भी 50,000 से ज्यादा नहीं? नहीं 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 है ऐसा, आप समझ नहीं रहे. नोटिस 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 डिपॉजिशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट विल गिव अट्रैक्ट अ नोटिस. यदि 50,000 रुपए से ऊपर यदि आपने डिपॉजिट किया है तो इट विल अट्रैक्ट अ नोटिस. व्हाई? मैं क्या अपराध कर रहा हूँ कि मेरे पास 2.5 लाख का मेरे पास में कैश बैलेंस है, मेरे पास 2 लाख मेरे पास पड़े हैं और मैं एक बार में जमा कराना चाहता हूँ, 5 दिन तक क्यों लगना पड़ेगा अपराध? मेरे ख्याल में अपन अपने पूरे डिस्कशन को एक डिफरेंट टेंजेंट के ऊपर लेके जा रहे हैं. अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अभी जो हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. ऐसी लंबी लाइन में 5 बार क्यों लगना पड़े? कोई डिपॉजिट में कोई लाइन नहीं है, कहीं कोई लाइन नहीं है डिपॉजिट के अंदर, ये एक फिक्टिशियस बात है. कोई डिपॉजिट में कहीं मिनट के अंदर में डिपॉजिट करके नहीं नहीं, कहीं डिपॉजिट में कोई लाइंस नहीं है. रजनी रजनीकांत की मूवी देखने के लिए हम 4 बजे सुबह उठ सकते हैं, रजनीकांत की मूवी देखने के लिए हम 4 बजे सुबह उठ सकते हैं और लोग बाग पूरी की पूरी छुट्टी ले सकते हैं. बैंगलोर के अंदर एक दिन की छुट्टी डिक्लेयर हो सकती है और जब इतना बड़ा कोई हवन हो रहा हो तो उसके अंदर हमें आहुति नहीं देना है. कुछ नहीं है, मैंने अभी आज ही 5 लाख रुपए डाले, कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं कोई मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल गलत बात है, गलत है. व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, बिकॉज
व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो अभी कल भी एक सिक्किम का नोटिस आया कि साहब है, जबकि उसके अंदर कोई सिर और पैर भी नहीं। सर मैं सिंपल बात ये बोल रहा हूँ कि एक 50,000 रुपए जो सर 50,000 मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सर 50,000 रुपए के ऊपर आप जमा कराएंगे नोटिस आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, बात खत्म हो गई। और 2.5 लाख रुपए के ऊपर यदि आप टोटली जमा कराएंगे तो भी नोटिस आएगा, और यदि आप 12.5 लाख रुपए के ऊपर क्रेडिट कार्ड सॉरी करंट अकाउंट में जमा कराएंगे तो भी नोटिस आएगा, दैट इज 100%। और एक्सप्लेन सर, एक्चुअली जो अमेंडमेंट है इनकम टैक्स की वेबसाइट से हम चेक कर रहे हैं, ओनली फॉर पैन कार्ड रिक्वायरमेंट है। नंबर आवे तो एक मैंने बोला गया तो वीजा क्या पूछे पछी नंबर आवे आप आए तो नोटिस के लिए एक्सक्यूज मी आई हेलो एम आई ऑडिबल? Yes. I don't think that we are going to discuss this decision is right or wrong. Haan, I think we are discussing right, right or wrong. Matlab, we are discussing on the after birth reason, right? So my question to you, Gauravji. Jandhan Yojana ma 2 lakh rupiya main jama karaiwa. Mari paas pan card bhi hai. जनधन योजना में आप 50,000 रुपए से ऊपर ज्यादा नहीं जमा करा सकते हैं, वो तो आपका जो दूसरा उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसमें लिमिट है। दूसरी जो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके अंदर देर इज एन अमाउंट विच इज गोइंग टू बी देयर, सो देर इज गोइंग टू बी अ नोटिस। यदि 2.5 लाख रुपए से ऊपर आपने जमा पान कार्ड से लेना, सर पान कार्ड वाले को ही नोटिस आने वाला है मेन, तो सर मैं क्या कह रहा हूँ इनकम टैक्स के पान कार्ड या इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे अपन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि इनकम टैक्स के लिए मैं आप मेरे ऑफिस में बता रहे हैं, मेरा वही सीए प्रैक्टिस है, सो आई विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू कंसल्ट विद यू। एक मिनट, गवर्नमेंट पोते एडवर्टाइजमेंट ना पे 2.5 लाख जमा कराओ सो तो कशु पूछवा में नहीं आवे, तो एमा जनधन योजना का शामिल हती? नहीं, वो तो जनधन योजना की जो बेसिक स्कीम है वो एग्जिस्ट करेगी, दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। जो शुरू में 2.5 लाख सर जनधन योजना जब खुलाई गई तो पहले से बताते तो दिक्कत नहीं। माय क्वेश्चन इज हमें पहले एडवर्टाइजमेंट आप 2.5 लाख जमा करा सर, मैंने एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी आवे नहीं भी आवे तो नसीब आपके हाथ में, बराबर। ओके गौरव भाई, माय क्वेश्चन इज विल यू गिव योर व्यू ऑन डिफरेंट इंडस्ट्रीज? Yes. After this result. Yes, yes, I can. Yadi aap industries. Yes. The industries impact. Real estate, very negative. Very, very negative. Real estate, very negative. Technology, positive. Yadi shares, mutual fund, positive. You know, or aapki baaki sare jo sector for 6 months, 1 year, below performances. And after 1 year, good performance. Consumer goods for 1 year for problem, matlab there will be a negative thing, and after 1 year there will be a positive. So the industries which, if we can say that after the removal of all speculated money which is there in the parallel economy being removed out, being cleansed up, and then the industries which are based on the need based industries will be having a high chance to grow properly. Certainly, certainly. And the industries which is having that speculated thing like Satta Baza, hai ya fir jo bhi hai, that will be on a negative rate. Certainly. So now my question is, considering the real estate, though it is the word called estate inside it, but it is having three need-based value. One, if it is considered as a land, it will be performing as an agricultural land or industrial portion, right? If we are talking about the constructed real estate, there will be a residential need, there will be a commercial need. So if the need-based industries are probably on a high path, so they also cater the need-based portion, like for residential, they are going to give the need of the shelter. हाँ, तो उसके लिए तो आप यू आर गोइंग टू बी सीइंग अ वेरी गुड ग्रोथ इन द जो कि जिसको अपन कहते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग जिसको कहते हैं, इज गोइंग टू बी ह्यूजली पॉजिटिव इन दैट ह्यूज पॉजिटिव। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक लेवल से ऊपर के घरों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए के हाउसेज होते हैं उससे ऊपर के हाउसेज होते हैं उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। बट यस, जो हाउसेज छोटे घरों के लिए होते हैं या छोटे लोगों के लिए हैं उसमें सडनली दिस गोइंग टू बी ह्यूजली पॉजिटिव थिंग, जहाँ पे कि एक्चुअली कच्चे का रेशो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है या एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंडिया में बिटकॉइन का फ्यूचर कैसा है?
बहुत अच्छा है सर, अभी तो ऐसा दिखता है. इट इज रियली पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव. देयर आर डिजिटल बैंक्स आर आल्सो कमिंग. देयर इज अ लाइसेंस बीन अप्लाइड वेयर देयर विल बी अ डिजिटल बैंक व्हिच विल नॉट हैव एनी ब्रांच. इट विल बी ओनली डिजिटली अवेलेबल. लेकिन आईडीएफसी फिजिकली अवेलेबल देयर, बट Both options are good evening everybody, my name is Sanjay. Yes, sir. Sir, I have two questions. मुझे नहीं पता वो कितने important या कितने vague हो सकते हैं, लेकिन we are hearing कि ये जब से cash conversion की बात आई and there is limit that you know उसके ऊपर scrutiny होगी या notice जाएंगे लोगों को. We are seeing the ones who had holded a huge amount of black money at home in form of cash like 25 lakhs or 30 lakhs, they are not resorting to banks, they are resorting to those dealers who are giving at the concession of 10%, 15%, now 25% or maybe 30-35% in coming days. So, unka black money to kahin scrutiny mein aayega hi nahi, kyunki wo to fir bhi bol rahe chalo 40 lakh ke 30 lakh mile, not bad. Let's take that money from somewhere else. So, who are these dealers is my first question. And second, agar meri mom ke paas 15 saal mein bachaye hue 3 lakh rupaye hai, so she is not in a better position. So, aisa mujhe kyun feel ho raha hai ki the rich is getting less rich, but the middle class are getting more. वो पूरा एक उनका स्ट्राटा ही बदल रहा है कि वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन रिच वालों को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो देयर इन अ बेटर पोजीशन, उनके पास वो लग्जरी कैश है. तो अगर वो थोड़ा भी कम होता है तो वो लग्जरी फेज से कंफर्ट में भी नहीं आ रहे, और हम कंफर्ट वाले कहीं ज्यादा नेसेसिटी वाले फेज में तो नहीं जा रहे. एंड हु आर दीस ब्लैक, एक्चुअली कैन वी ऑल एग्री दैट यदि आपके पास में 3-4 लाख रुपए घर में कैश साइड मनी है तो वो एक एवरेज फैमिली होती है. Can you agree to this? सूरत जैसे शहर में तो ठीक है. कहीं दुनिया में जहां 4 लाख रुपए आप घर में साइड मनी रखते हो, जो कि एक्चुअली आपके डे टू डे में आपको ध्यान भी नहीं है कि वो पैसा आपने रख रखा है, वो अपर मिडिल क्लास होता है, वो अपर क्लास होता है, वो मिडिल क्लास नहीं होता है. पहले तो हमको ये क्लियरिटी लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम केवल हमारे दृष्टिकोण से दुनिया को नहीं देख सकते. 120 करोड़ लोग इस कंट्री में रहते हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट. फर्स्ट थिंग, फॉर मी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है. फॉर एवरी लाख सिटीजंस इन इंडिया देयर इज, पूरा स्टैट्स आया था मैंने न्यूज़ चैनल में देखा है और काफी मतलब ऑथेंटिकेटेड सोर्स था कि फॉर एवरी लाख सिटीजंस देयर आर 13 बैंक्स. तो जब हम बात कर रहे हैं कि अगर एक नेशन वाइज 125 करोड़ मेजरली पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑन पॉवर्टी लाइन एंड थोड़े से अबव पॉवर्टी लाइन, एक डिस्ट्रिक्ट है खोड़ा करके यूपी में, उसमें फॉर 13 लाख पीपल देयर इज ओनली वन बैंक. तो एक जगह हम बात करते हैं वो 125 करोड़ को ध्यान में रखते हुए कि 1 लाख या 2 लाख रुपए होते तो आप मिडिल इनकम या लोअर में आते हो, फिर दूसरी वक्त हम ये देखते हैं कि 12 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ एक बैंक और उसमें सिर्फ 2 कैशियर और दिन में सिर्फ 100 लोगों के कैश कन्वर्ट हो रहे हैं. तो वो हम कहाँ पे, उस चीज का कहाँ बैलेंस है? बिल्कुल अलग अलग इश्यूज हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट बोथ आर वेरी डिफरेंट इश्यूज. हैविंग मनी एंड यू वांटेड टू डिपॉजिट इन सूरत एनवायरमेंट, क्या यहाँ पे रियली, मेरे को लगता है कि शायद पत्थर उठा के फेंकेंगे तो बैंक पे जाके गिरेगा. इस शहर में हम रहते हैं, बैरिंग रोड पे आप निकलेंगे तो मैं कहता हूँ आपको हर दूसरे कदम के बाद में आपको एक ब्रांच दिखाई देगी. सो इट्स, यू कांट कंपेयर एन एनवायरमेंट ऑफ दिस टू एन एनवायरमेंट ऑफ खेड़ा. फर्स्ट, पहला, दोनों इशूज बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट इशूज है. यहाँ का इशू बिल्कुल डिफरेंट है और वहां का, वहां पे नहीं हुई है बैंकिंग पेनिट्रेशन. तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस एफर्ट के बाद में आरबीआई को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वहां पे बैंकिंग पेनिट्रेशन इंक्रीज करनी चाहिए? मैडम, आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंडियन आरबीआई इज द मोस्ट प्रोएक्टिव, यू नो, आरबीआई जिस तरह के बैंकिंग चैनल्स इंडिया में चालू किए हैं, चाहे फ्रॉम एनबीएफसी कन्वर्जन टू दिस या फिर डिजिटल बैंक्स जो चालू किए हैं, जो इतने बड़े लाइसेंस, ऑलमोस्ट सब ऑल बिग हाउसेस बीइंग गिवन अ लाइसेंस फॉर दैट, या हम जो बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बैंक्स के लिए, जो स्मॉल बैंक्स के लिए विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव. मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा है कि जिस तरह का प्रोएक्टिवनेस इंडिया में बैंकिंग को पेनिट्रेट करने के लिए है वो किसी और कंट्री में नहीं अवेलेबल है, विच इज वन ऑफ द फैक्ट. सो लेट्स लुक एट अ लार्जर पिक्चर, लेट्स लुक एट अ मोर लार्जर पिक्चर दैट व्हाट इज देयर. एंड यस, Certainly there will be some people who will be having problems, but at large, पूरे south में कहीं लाइनें नहीं है. Yesterday I was with one person who was from Bangalore, बोल रहा कहीं कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं. क्यों नहीं है? Because people are into less cash economy, digital economy.
वहां पे लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है, उन लोगों के पास अवेलेबिलिटी है, वहां पे ऑटो वाला टैक्सी वाला बोलता है आप मेरे को पेटीएम से पे कर दीजिए, आप मेरे को क्रेडिट कार्ड से पे कर दीजिए, ओला मनी से पे कर दीजिए, मेरे को आप उससे पे कर दीजिए। सो क्या ये दूसरा पोर्शन जो नॉर्थ इंडिया है या हमारा पोर्शन है वेस्टर्न इंडिया का पोर्शन है, क्या इसको इंप्रूव होने की जरूरत नहीं है? क्या इसके अंदर अवेयरनेस होने की जरूरत नहीं है कि यस हमें भी उस तरह मूव होना है? There is one more aspect to this entire thing. If we go back like 2 years back when the entire Jandan thing was getting started and it was getting promoted, we heard the similar noises that it's useless thing, there's no point in opening these accounts. People were also being kind of forced through agents that opened this, lured into opening the accounts, but the awareness amongst general people was not much. So after this particular thing happening once, the psychological impact will be at least 10 times. Once people have gone through all this, they'll know that it's better to open the account. So whenever now the next scheme of opening bank accounts will come, people will know that it's for their own good. So once either we have to be aware on our own, or we get these kind of things, then only people will wake up and open the bank accounts. Otherwise, nothing is going to change. Like we heard a lot of criticism of Jandan for 2 years. Both from the intellectual classes and from the lower classes. Lower classes will not come into the front, but the intellectual classes kept on saying that these accounts are lying idle, nothing is happening in these accounts, without knowing the impact of what it could have 2 years later on after opening the accounts. So we have to see the psychology as well. Every person who is facing the pinch of standing in the queue, or every person who is facing the pinch of not having cash as of right now, not able to use the cash, will surely open the account 6 months later when similar scheme is being launched. That is, you have to see from that perspective as well. See, everything cannot be blamed on the government. The fault lies for every this thing which is happening is on us, the people. We created this mess, not the government. We the people who are till date are finding ways to come out of this, using our cash, discounting it. Everybody who is helping discounting the money, the cash, is also part of it. So it's not created by government. This government came into power in 2016. It is us, the people, who created every one of us. So that's the perspective we have to take. Sir, in an environment like Surat, where is the net market, net money is a lot more common, diamond market, textile market. So sir, इतने सारे workers unemployed हो जाएंगे अगले एक दो साल के period में. Sir, industry जैसे diamond market से, textile market से, mostly sir cash में dealing होता है sir. Diamond market में सब ज़्यादा. देखो सर, एक तो जो ये बिथ है कि पूरा कैश होता है, पूरा कैश होता है, मेरे साथ में यहाँ टेक्सटाइल के फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, डायमंड के फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, एक जो ये भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, क्या कल से लोग का कपड़ा पहनना बंद कर देंगे? हाँ तो सर, डायमंड में तो एक्चुअली जो बड़ी कंपनियां होती है उनमें एक्सपोर्ट होता है, एक रुपए का ब्लैक नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट जो 5,000 लोगों के, 7,000 लोगों के एम्प्लॉइज को लेके चल रहे हैं, उनके यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, वो तो एक रुपए का काला कच्चा कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू एक्सपोर्ट द गुड्स। सो एक्चुअली द मिथ विच इज कमिंग, तो अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री विल ग्रो। जब 2 लाख करोड़ से फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो ऑन 1 फरवरी, सी इट्स अ ट्रांजिशन फेज जो आप देख रहे हैं, आप वो पीरियड देखिए जब 1 फरवरी को इस पैसे से गवर्नमेंट दो पोजीशन में आएगी, फर्स्टली टू बोरो एंड सेकेंडली टू गिव मोर लोन्स टू स्टार्ट न्यू इंडस्ट्रीज, एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोअर स्ट्रेटा है, जिसको आपको लग रहा है, उन्हीं के लिए बड़ी स्कीम्स आएंगी। यू मे सी अ हाउसिंग स्कीम कमिंग फॉर देम, यू मे सी कमिंग सोशल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग, हॉस्पिटल्स, मोर अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स। जब ये सब कुछ बनेगा तो यही वर्कर जो आज आपके घर बना रहे हैं या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, वो शायद शिफ्ट होकर के हॉस्पिटल, स्कूल के डेवलपमेंट में लग जाएंगे, वहां से उनको पैसा मिलेगा। एक्चुअली दैट इज द दैट इज द थिंग। हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे, आप यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं, डॉलर रुपी रेट का इससे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स ए इंडियन रुपी विच इज देयर। वो तो फिस्कल डेफिसिट जो आपका क्या नाम है, ट्रेड बैलेंसिंग होती है कि इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो डोंट जस्ट एनालाइज दैट कि आज रातों रात डॉलर की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। डॉलर विल बी मच
much more impacted by multiple geopolitical scenarios like American elections, अभी France में election होंगे, उससे शायद फिर थोड़ा impact आएगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें भी close रहेंगे। For shorter period of time, GDP rate will gradually come down because estimates are Yeah, they'll be. But when you will do such a big operation and cleansing, why should it not be? Why we should be worried for a very short period of time of economic growth when we are coming for a major effort of such a thing? Don't you feel the money which is holded by unauthorized people or for by the people who are not right people should not be banned? What is the other way? To remove fake currency, what is the other way? Can anybody in this house can tell any other solution? I have a question. Yeah, please. Sir, ek sawal. Pehle 1978 mein Morarji Desai ne 1000, 5000 aur 10000 ki note rad kar di, band kar di. To us time Rashtrapati ne what to come? डिक्लेयर किया था उस टाइम बंद कह गए और अभी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट डिक्लेयर किया है तो दोनों परिस्थिति में से कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधारण दृष्टि से योग्य है अच्छा है नहीं ये अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है साहब पहले वाले को शायद मालूम नहीं होगा कि मेरी पावर है वो यूज नहीं कर पाया होगा तो इनको मालूम होगा कि मेरी पावर है यदि प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं कौन सी अच्छी है नहीं अच्छी कुछ सर मैंने आपको पहले भी समझाया शायद आप मेरे प्रेजेंटेशन में बाद में ज्वाइन किए मेरे फादर की तनख्वाह उस समय 250 रुपए थे जो कि एक बैंक में गजेटेड ऑफिसर थे प्लीज अंडरस्टैंड तो 1000 रुपए जब बंद हुआ तो उनके 4 महीने की तनख्वाह 1000 रुपए हुआ करती थी आज की तारीख में हमारे ऑफिस में जो सबसे छोटा आदमी काम करता है उसकी 7-8 हजार रुपए तनख्वाह होती है सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग ऑफ 1000 रुपीस इन 1997 टू टुडे जमीन आसमान का अंतर है प्लीज इसको कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है कोई मतलब नहीं है वो शायद पूरे हिंदुस्तान में उस समय 10-20 हजार लोग होंगे जिनके पास में 1000 रुपए के नोट होंगे पूरा कलेक्शन 165 करोड़ रुपए था अब यू नो यू कैन अंडरस्टैंड नो सर कोऑपरेटिव बैंक